नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज बताने जा रहा हूं आपको गोचर फल वृष राशि वालों के लिए। यह जो गोचर फल होगा, जितने भी वृष राशि वाले हैं इसको सुन सकते हैं, या जिनका वृष लग्न है, 2 नंबर से कुंडली आपकी शुरू होती है तो भी आप इसको देख सकते हैं। यदि आपकी नाम राशि वृष है तो भी आप इसको देख और समझ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि समय समय पर ग्रह अपना गोचर एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में परिवर्तन होते हैं, अपना गोचर करते हैं, और उसी गोचर के अनुसार हमें उन ग्रहों का परिणाम प्राप्त होता है, अच्छा बुरा जो भी। अब आपको, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि 1 मई 2024 से देव गुरु बृहस्पति वृष राशि में चले जाएंगे, तो आपकी राशि वृष है और वृष राशि में ही देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, यानी आपके लग्न में आ जाएंगे कुंडली के। और जैसे ही बृहस्पति चेंज होंगे 1 मई 2024 से लेकर के 14 मई 2025 तक, तो इनका केतु महाराज से नव पंचम योग बन जाएगा। क्योंकि आपको यह भी पता होगा, जो ज्योतिष की जानकारी रखते हैं, कि 30 अक्टूबर 2023 को केतु कन्या राशि में अपना गोचर कर रहे हैं तब से, और ये भी मई तक चलेंगे। अब गुरु के साथ साथ में इनकी जोड़ी चलेगी 1 वर्ष तक, क्योंकि 1 वर्ष केतु का भी रह गया और 1 वर्ष के लिए देव गुरु बृहस्पति भी वृष राशि में आ जाएंगे। तो क्या आपको इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे, या क्या अपने जीवन में आपको उतार चढ़ाव नज़र आएगा? बहुत शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इसी में आप समझ लें कि आपको क्या कुछ मिल सकता है। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति एक इतने अच्छे प्लैनेट हैं जो व्यक्ति को धन देते हैं, नाम देते हैं, फेम देते हैं, सब कुछ प्रदान करते हैं देव गुरु बृहस्पति। और केतु, केतु जब अकेले बैठे हों, उन पर गुरु की दृष्टि ना पड़ रही हो, तो वह सब कुछ छीनना शुरू कर देते हैं। अब इस समय प्रथम भाव में गुरु हैं और पंचम भाव में जो केतु हैं, यहाँ से गुरु को यदि हम काउंट करें तो पंचम भाव में केतु, और केतु से जब नौमी दृष्टि आस्पेक्ट जो होती है वह गुरु के ऊपर पड़ रही है, तो इसको कहते हैं नव पंचम योग, एक दूसरे के ऊपर 9-5 दृष्टि होना। तो पंचम भाव में केतु आपका 30 अक्टूबर के बाद जो भी आपको बुरे फल दिए हैं, किस रिगार्डिंग, आपको अपनी संतान के रिगार्डिंग, आपको ऐसा लगता है कि संतान आपकी कोई बात नहीं सुन रही, संतान आपका कोई कहना नहीं मान रही, या आपकी ही संतान की शिक्षा में कोई बाधा आ रही है, या आपकी संतान को कोई समस्या आ रही है, हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, तो ऐसे में ये मान के चले कि अब गुरुदेव की दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, तो उन चीज़ों से निजात मिल जाएगी। क्योंकि अभी तक केतु के ऊपर किसी ग्रह की दृष्टि नहीं थी, इवन कि जब गुरु की दृष्टि पड़ती है केतु के ऊपर तो केतु शांत हो जाते हैं और अपने बुरे फल देने बंद कर देते हैं। तो आपको पंचम भाव का बहुत ही अच्छा फल मिलने वाला है। कोई लव लाइफ, मैरिड लाइफ में कोई समस्या आ रही थी, वह भी दूर होने शुरू हो जाएगी। पूरे 1 वर्ष तक ये मान के चलें कि दोनों ने एक साथ रहना है, और आपके जीवन में खूब सफलता की ऊंचाइयों तक आप पहुंचेंगे, क्योंकि केतु की दृष्टि 11वें भाव में पड़ रही है। 11वां भाव, जब तक केतु अकेले थे तो यहाँ पर पैसों का नुकसान कराते हैं, आय में विघ्न डालते हैं। अब आपके पास पैसा भी आएगा, आय भी आपकी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि पड़ रही है केतु के ऊपर। तो यहाँ पर यदि प्रेगनेंसी में, क्योंकि यदि यहाँ पर 1 वर्ष तक अभी और केतु अकेले रहते और गुरु की दृष्टि ना पड़ती, तो आपको जिनको संतान चाहिए, जो संतान को कंसीव करना चाहते हैं, तो उनको बहुत भारी समस्या आनी थी, लेकिन अब वह समस्या नहीं आएगी। क्योंकि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि, पंचम दृष्टि केतु के ऊपर पड़ रही है, तो केतु ने अपना सारा नेगेटिव प्रभाव को त्याग देना है, और आपको संतान की खुशी मिलेगी, आपको संतान की शिक्षा में कोई बाधा नज़र नहीं आएगी। यदि आप खुद एक विद्यार्थी हैं जो वृष राशि वाले हैं, तो ये समझ के चलें कि आप विद्या में बहुत आगे जाने वाले हैं। इस 1 वर्ष में ऐसा गेन आपके ऊपर, आपको गेन प्राप्त करेंगे जिसको हम कहते हैं ज्ञान का, ज्ञान का। आप अपने लक्ष्य की तरफ चलते जाएंगे, ज्ञान की प्राप्ति करेंगे और आगे बढ़ते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो कुल मिलाकर के अब 1 वर्ष तक केतु आपके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करने वाले हैं, और केतु के कारण आपके जीवन में खुशी आने वाली है। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को विराम देता हूँ। जय जय श्री राधे, नमो नारायण।